नमस्ते, मैं अनिमा भट्टाचार्य जी हूँ, देवलीना भट्टाचार्य जी का मम्मी हूँ। एंजल उसकी प्राण है, सोल है, भाव को अपना ब्रदर जैसा माना है। जो और एक बेटा मिल गया, क्योंकि वो गुस्सा भी करती है, साथ साथ बाथरूम का दरवाजा बंद करके रोना शुरू कर देती है। हाँ, सिद्धार्थ के साथ जब भी ये फ्रेंडशिप देखा है मुझे, और एक बेटा मिल गया है मुझे। बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा गाती है। हाँ, देवलीना का जाने मुझे बहुत अच्छा लग रही है, और पहले से ज़्यादा बेहतर खेला है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगती है। हाँ, पहले थोड़ा सा ऐसा झगड़ा जैसा हुआ था, क्योंकि पहले सभी सभी के लिए नया था ना, किसी को किसी से नहीं जानते थे, इसीलिए थोड़ा बहुत हुआ था गड़बड़। लेकिन अभी तो सब ठीक ठाक हो रहा है, सब नॉर्मल देख रहे हो। मेरे एंजल को मुझे जब आँख मिलते हैं, एंजल को जब मैं देखती हूँ तो मुझे इतना दुख आते हैं ना, मैं कैसे कह पाऊँ, एंजल कैसे समझेंगे मुझे जे तुम्हारा मम्मी ठीक है, ठीक हालत में है, तुम ज़्यादा वेटिंग मत करो, मम्मी आ रही है, बहुत जल्दी से मम्मी आएगी, जीत के आएगी, बिग बॉस ट्रॉफी लेकर के आएगी। ये है एंजल, मैना का प्यारे प्यारे पेट है, ये एंजल है। एंजल के लिए मेरा ज़्यादा दुख लगती है, और कभी कभी एंजल को देख करके मेरा रोना भी आ जाती है। हाय बेचारी देवलीना, अभी जी बिग बॉस में है और एंजल मेरे पास, मैं तो ग्रैंड माँ हूँ उनकी। हाँ, ज़्यादा मुझसे ज़्यादा एंजल को याद कर रही है वो शायद, क्योंकि एंजल उसकी प्राण है, सोल है। हाँ, देवलीना का दोस्ती रश्मि के साथ और भाव के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ ये दोस्ती हमेशा रहे, उन लोग का बीच में हमेशा रहे, मैं ये चाहती हूँ। रश्मि और देवलीना दोनों अच्छी दोस्त हैं, दोनों दोनों की सपोर्ट कर रहे हैं अब तक। बाद में अभी तो टाइम है ना, 1.5 महीना से ज़्यादा टाइम है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसे मालूम नहीं। हो सकता है अच्छी दोस्ती निभाएंगे दोनों दोनों का, और भाव भी बहुत अच्छा है, बहुत एंटरटेनमेंट दिया है मैना को, मेरा देवलीना को। देवलीना को मैं मैना कहती हूँ, मैना को तो बहन मान लिया है बेटी ने, देवलीना ने, मैना ने भाव को अपना ब्रदर जैसा माना है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे और एक बेटा मिल गया। इससे मुझे क्या होता है, ये जो बिग बॉस का जो हाउस है ना, ये अनदेखा है। मतलब पहले से तो उन लोग देवलीना हो या दूसरा कंटेस्टेंट हो, उन लोगों ने नहीं जानते थे ना वो कैसा होगा मेंबर्स लोग, कैसे वो लोग बिताएगा उनका जीवन, 3 महीना का कैसे बिताएंगे वो लोग, किसी का मालूम नहीं था ज़रूर। और ऐसे अचानक की परिवेश, अचानक की लोगों से जब बातें करते हैं, जब मन नहीं मिलता है एक दूसरे का, तभी से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है सभी लोग। लेकिन मैंने ज़्यादा ये नहीं देखा है किसी को, मैं मैना को भी नहीं देखा ज़्यादा एग्रेसिव होने, ये तो स्वाभाविक है, ये तो नॉर्मल है, थोड़ा गुस्सा तो हो गए, ये नॉर्मल है। रीज़न ये भी हो सकता है, मैना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, वो कभी पेट में गुस्सा रख के मुँह में मीठी मीठी बात कहना वो नहीं जानती है। जब गुस्सा आ जाता है किसी का कार्यों से, किसी का बातों में, तब वो गुस्से हो जाती हैं और गुस्सा करती हैं, तो उससे वो मुझे भी अच्छा नहीं लगती है, मुझे बुरा लगती है, क्योंकि वो गुस्सा भी करती है साथ साथ बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके रोना शुरू कर देती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगती है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ सभी मेम्बर्स को, आप लोग दोस्ती से बात करें, दोस्ती बनाएं एक दूसरे से, और गेम खेलें अपना अपना मर्जी से, अपना अपना बुद्धि लेकर के, ये अच्छा होगा सभी के। हाँ, ये भी बहुत मतलब बहुत सुना था शायद देवलीना ने, मैना ने दूसरे का बातें, जिसमें वो ऐसा हो गया है, भड़क गई है। हाँ, सिद्धार्थ के साथ जब भी ये फ्रेंडशिप देखा है मुझे, मैं देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ का गुस्सा भी पहले से थोड़ा कम आ गया, मैना भी थोड़ा एग्रेसिव थी, अभी बहुत गुस्सा कम हो गई है, मुझे अच्छा लग रहा है दोनों का फ्रेंडशिप। सिद्धार्थ को लेकर के मेरा बहुत थॉट्स है, मुझे मैं ये चाहती हूँ सिद्धार्थ थोड़ा आगे बढ़े और बिग बॉस का ट्रॉफी जीत ले। लेकिन मैं मेरी बेटी को भी सपोर्ट करती हूँ, इसीलिए पहले मैना का नाम लेना चाहती हूँ, मैना पहली बार ले लिए और दूसरे में सिद्धार्थ आ जाइए ट्रॉफी लेने के लिए। हाँ, और एक बेटा मिल गया है मुझे। अच्छा, एक्चुअली सभी ने मुझे माने तो माँ हिसाब से मैं सभी को मेरा बेटा ही कहूँगी। हाँ, सिद्धार्थ अच्छा लड़का है, मुझे बेटा भाव को अपना बेटा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि बेटी ने अपना भाई मान लिया जब। हाँ, पहले मुझे मालूम नहीं था, मैं जब असम में थी तब वहाँ आई मैंने के पास,
एक महीना 1.5 महीने के बाद मुझे बोलने लगा, माँ बोले क्या हुआ, मुझे बिग बॉस जाना है। बोले हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, जाओ ना तुम बिग बॉस। हाँ डर भी लगती है माँ मैं नहीं जाती हूँ, एक दिन बोलते हैं मुझे जाऊँगी, दूसरे दिन बोलते हैं माँ मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोले कुछ नहीं होगा, भगवान से विश्वास रखो तुम ठीक हो और मैं आशीर्वाद कर रही हूँ, तुम बिग बॉस जाओ, अच्छा से गेम कर खेलो और मैं हमेशा प्रार्थना करूँगी भगवान जी से तुमको जिताए। नहीं मैंने कुछ रुकने के कभी नहीं, जहाँ वो जाना चाहती है मतलब जो अच्छा होगा भविष्य में, जो जहाँ जाने से अच्छा होगा इसी हिसाब से मैं कभी नहीं उनको मना करती हूँ, लेकिन हमेशा मुझसे डिस्कस करते हैं, कभी सीरियल मिले तो कभी ये हो तो माँ मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ मैं करूँ। हाँ श्योर वाई नॉट, देवली ना बहुत अच्छा गाती है और डांस डांस का परफॉर्मेंस आप लोग देखेंगे ना सचमुच आप लोग को लगेगा सचमुच ये एक परी है, परी ने एक डांस किया है, बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा गाती है। आप लोग डांस को मैं विनती करती हूँ, आप लोग देवलीना को रिक्वेस्ट करें थोड़ा गाना बजना हो जाए, थोड़ा डांस हो जाए, ये पार्ट मैंने नहीं देखा है बहुत दिन से, मुझे ये देखना मन करती है। हाँ आगे के गेम्स में मैं ये चाहती हूँ देवलीना सभी के साथ बंधुभाव से रहे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे, बंधुभाव से रहे और एट लास्ट बिग बॉस का जो ट्रॉफी वो ट्रॉफी जीत के आए, मन में कुछ भी भावना नहीं लेकर के सभी को खुश दे करके वो जीत के आए, मैं ये चाहती हूँ। मैं देवलीना का फ्रेंड्स फैंस सपोर्टर्स सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, आप लोगों ने देवलीना को जैसे प्यार दिया बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करें और आप लोग का बहुतों से देवलीना जीत जाए, ये मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।